तो कैसे हो भाई लोग। जी हाँ गाइस यार, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो यार हमारे लोंडो को भाई साहब पबजी के यार डाउनलोड करने में बहुत दिक्कत हो रही है और उनके लॉगिन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। कोई लोग वीपीएन लगा के खेल रहे हैं, किसी का तो पबजी के यार ओपन ही नहीं हो रहा। तो भाई लोग उन सारी चीजों का सोल्यूशन यार तुम्हारा भाई तुम्हें इसी वीडियो में बताने वाला है, वो भी विदाउट वीपीएन। जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोगों के सारे एरर जो है भाई वो खत्म हो जाएंगे और विदाउट वीपीएन जो है आप लोग पबजी के यार वर्जन अपना खेल भी पाएंगे और डाउनलोड भी कर पाएंगे विदाउट वीपीएन। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर नए टैग से लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि यार वो लोग भी जो है पबजी के यार वर्जन आपस में खेल पाए यार आप लोगों के साथ। ठीक है, तो चलिए भाई बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो ध्यान से सुनना, कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे आप लोगों ने टाइप करना है टैप टैप ग्लोबल पबजी के यार। ये मैं डाउनलोड के लिए बता रहा हूं, जिसका डाउनलोड नहीं है और जिसमें एरर शो कर रहा है कुछ ना कुछ, तो यहां से आप लोग डाउनलोड करिए जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे टैप टैप ग्लोबल पबजी के यार आप लोगों ने टाइप करना है और यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जो लिखा है पबजी मोबाइल कोरिया एंड्रॉइड डाउनलोड, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा जो है वो टैप टैप की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा पबजी मोबाइल के यार का। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल डाउनलोड करना है, जिसका टैप टैप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है उससे टैप टैप एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, वो भी जो आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, जैसे आप लोग टैप टैप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद सीधा उसे ओपन कर देना। ठीक है, डन करने की जरूरत नहीं, ओपन करेंगे तो डायरेक्ट जो है आपके सामने वो पबजी के आर का लिंक ही ओपन होगा, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि विदाउट वीपीएन मेरे सारे एरर जो है वो खत्म कैसे करो, खेल कह सकते हैं विदाउट वीपीएन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इजिली जो है वो अलाउ कर देना, डाउनलोड कर लेना यहाँ से अपना पबजी के आर वर्जन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये विदाउट वीपीएन अभी हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, वीपीएन की हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक चीज के लिए, वो मैं आपको बता दूं कब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और वो बस एक ही बार आपको यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जिंदगी में कभी यूज नहीं करना पड़ेगा पबजी के आर में। अभी फिलहाल तो जब तक 1.4 अपडेट नहीं आती तब तक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पबजी के आर हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपकी इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पे आप लोगों ने पबजी मोबाइल के आर अपना ओपन करना है। और बहुत लोगों के साथ देखो ये एरर आ रहा है, जो मेरे साथ भी हुआ। ठीक है, ये मैंने कोई वीपीएन यूज नहीं कर रहा है यहाँ पे, ऊपर आप नोटिफिकेशन में ध्यान देना, मैंने इसलिए जो मेरे फिंगर टचेस है वो भी मैंने ऑन किए हुए हैं, ताकि आप लोग देख पाए यार कोई फेक वीडियो नहीं है, रियल वीडियो है। ऊपर देख सकते हैं आप लोग नोटिफिकेशन, ऊपर बैटरी भी देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई वीपीएन कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये एरर मेरे को शो कर रहा है अननोन एरर। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है इसको हटाने के लिए, आप लोगों ने ये यूएसए फ्री वीपीएन जो है वो डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ठीक है, मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, बहुत अच्छा वीपीएन है, सबसे बढ़िया वीपीएन है फ्री वीपीएन। आप लोगों ने ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद ना इसे कनेक्ट करना है सर्वर सिंगापुर कनेक्ट करना है। ठीक है, आप लोगों ने सर्वर आपको सिंगापुर ही कनेक्ट करना है और कोई सर्वर कनेक्ट नहीं करना है, ध्यान से सुन लेना बात को। उसके बाद जो है आप लोगों ने अपना गेम दोबारा से क्लियर करने के बाद दोबारा ओपन करना है पबजी मोबाइल के। अभी भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वीपीएन मेरा कनेक्ट है। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार जो है स्क्रॉल करके आपको दिखाऊंगा नोटिफिकेशन, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि यार फेक वीडियो है, कुछ भी है। ठीक है, सब कुछ रियल है, तो आप लोग नोटिफिकेशन में भी ध्यान देना। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने जैसे वीपीएन से लॉगिन करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग होनी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अपडेट होना गेम हमारा। और यहाँ पे मैं जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ पे लो रिसोर्सेज जो है वो डाउनलोड करूंगा। आपको मैं बता दूं इस वीडियो के अंदर आपको ना जो आपकी इन गेम जो जितने मैप वगैरह डाउनलोड होने में दिक्कत आ रही है, वो भी उन सबका जो सोल्यूशन है ना वो सिर्फ यही वीपीएन है। आप लोगों को इस वीपीएन से जो है वो एक बार लॉगिन करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ एक बार लॉगिन करना है इस वीपीएन से। जैसे ये 315 एमबी के रिसोर्सेज है ये हमारे डाउनलोड हो जाएंगे, इसके बाद जो है हमारा जो गेम स्टार्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा गेम इजिली जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने अपनी जो है वो गूगल आईडी से लॉगिन कर लिया है मैंने, और यहाँ पे इजिली जो है वो मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जितने मैप देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे वो भी डाउनलोड हो रहे हैं इजिली। ठीक है, यहाँ मैंने इस टाइम सिंगापुर वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है लेकिन। ठीक है ना, इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल जो है इसको अपने गेम को एग्जिट कर देना है। ये सब करने के बाद आप लोगों ने गेम को अपने कर देना एग्जिट। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जिट करेंगे ना, फिर से आप लोगों ने क्या करना है, क्लियर कर देना है गेम को अपना होम का बटन प्रेस करके। ठीक है ना, कि वो बैकग्राउंड में रनिंग में ना रहे। उसके बाद आप लोगों ने अपना सिंगापुर वीपीएन दोबारा से जो है भाई वो डिस्कनेक्ट कर देना है सिंपल। ठीक है, वीपीएन डिस्कनेक्ट करोगे और उसके बाद आप लोग अपना गेम स्टार्ट करोगे ना, तो देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, ऊपर आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। मैंने यहाँ पे वीपीएन यूज नहीं किया हुआ है, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत हो, मैं आपको पिंग भी दिखाया था, मेरे नॉर्मल पिंग आ रहे हैं भाई 53 जो भी आता है मेरा 50-40, तो ये आ रहा है नॉर्मल, कोई वीपीएन मैंने यूज नहीं किया हुआ। यहाँ पे आप लोगों को मैं मैच भी स्टार्ट करके दिखाया था लॉबी के अंदर आगे भी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई एरर नहीं आएगा। इसी तरीके से करना है वीपीएन, मैंने आपको बता दिया कौन सा, बस वन टाइम यूज करना है आपको, सिंगापुर सर्वर ही कनेक्ट करना है एक बार। ठीक है ना, बस उसके आपको केआर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और इजिली जो है आप लोग गेम खेल पाएंगे। ठीक है गाइस, तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और यार अगर किसी और टॉपिक पे आप लोग चाहते हो कि यार मैं वीडियो बनाऊं, कोई आपको दिक्कत आ रही हो, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वो वीडियो बनाने की। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।
नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।